वहीं शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। शाहजहांपुर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने साइबर सेल के इंस्पेक्टर पर पिस्टल तानने का आरोप लगाया है, साथ ही अपनी जान को भी खतरा बताया। आरोप है कि पैसे के लेन देन को लेकर साइबर सेल के इंस्पेक्टर ने पूर्व जिला अध्यक्ष के घर जाकर उनके निजी सचिव से बहस की थी और इस मामले में इंस्पेक्टर के साथ हाथापाई और उसे बंधक बनाने का भी जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके मामले की जांच शुरू कर दी है। साहब को हमने स्थिति अवगत करा दिया था कि वो पिस्टल लेकर मेरे घर पे चढ़ आया और सीओसीटी को बता दिया। इसी बीच में इंस्पेक्टर सदर बाजार में फोर्स के आ गए, सीओसीटी साहब आ गए, उनको यहाँ से थाने ले गए। अब किस प्रकार की दहशत है परिवार में, क्योंकि उसने आके धमकी दी और निलंबित हो गया? नहीं, जिस तरीके से उन्होंने धमकी दी है उससे जान का खतरा है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने मुझे बताया गया अखबार के माध्यम से भी, वैसे भी अधिकारी के माध्यम से, कि उनको निलंबित कर दिया गया। एसपी सिटी उसकी जांच कर रहे हैं, हमारे बयान दर्ज कर लिए गए हैं। आगे की कार्रवाई विभागीय पुलिस अधिकारी लोग करेंगे, हमें भरोसा है। रिपोर्ट दर्ज कराई गई आपकी तरफ से? मेरी तरफ से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन स्थिति विभागीय कार्रवाई करने का आश्वासन दिया कि विभागीय कार्रवाई करेंगे। एक प्रकरण हुआ है जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने मदद के तौर पर कुछ पैसे दिए थे यहाँ साइबर क्राइम इंचार्ज इंस्पेक्टर नीरज को, और ये काफ़ी पहले दिए थे। वो अपना पैसा कुछ वापस आ गए थे, कुछ पैसा बाकी था और नीरज यहाँ से स्थानांतरित हो गया अन्य जनपद के लिए, तो अपने पैसे मांग रहे होंगे। इसी बात को लेके कुछ वाद विवाद हुई, बात बढ़ गई, नीरज उनके आवास पे गए और उनसे साथ अभद्रता की। इस मामले में पुलिस वहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँचे, उन्होंने मामले को शांत कराया। इसमें इंस्पेक्टर को तत्काल प्रकरण के संदर्भ में निलंबित कर दिया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से मुझे विभागीय जांच के लिए निर्देशित किया गया, उसमें मुझे एक आदेश मिला है जिसमें इसकी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इसमें इनको यहाँ से रिलीव किया जा रहा है, भेजा जा रहा है बाहर के लिए, उसमें जाँच पूरी करके कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वही खबर इटावा के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र से है, जहां पर पूर्व राज्यसभा सदस्य आरके सिन्हा के निजी सचिव राहुल कठेरिया के घर पर चोरों ने धावा बोल दिया। वही परिजनों ने चोरी की सूचना आईटीआई चौकी इंचार्ज राजेश वर्मा को दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल में पाया कि चोरों ने छत पर लगा जाल काट कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। अगली खबर झांसी से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी के समर्थन वित्त विहीन शिक्षक संघ के नेता अशोक राठौर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा के क्षेत्र अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह तमाम जानकारियां देते नजर आए। वहीं अशोक राठौर ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा होने पर शिक्षकों का सम्मान बरकरार रखने का आश्वासन पर भाजपा की सदस्यता ली थी और इस दौरान भाजपा के प्रदेश मंत्री और चुनाव प्रभारी संजय राय ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों को लेकर काफी गंभीर है और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए लगातार प्रयासरत भी हैं। आज शिक्षकों की समस्याओं के लिए जो सत्ता पक्ष में है, निश्चित तौर पर समस्याएं वही हल कर सकता है, इसलिए समर्थन दिया गया है। और मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, प्रत्याशी को जिताएं, जिससे कि हम लोग शिक्षकों की समस्याएं समाधानित करा सकें। थोड़ी बहुत कमी दिख रही थी, आज आपने पूरी कर दी, इसके बारे में क्या? चलिए, आपको ऐसा लगा, इसके लिए बहुत बहुत राठौर जी ने आज नहीं कल समर्थन दिया था। राठौर जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आवेदन भी किया था और भारतीय जनता पार्टी का जो पैनल था उसमें अशोक राठौर जी का नाम भी था, क्योंकि निर्णय यहाँ सर्वसम्मति से होता है। इसलिए राठौर साहब लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। जब टिकट नहीं हुआ तो निश्चित रूप से मन खराब होता है, क्योंकि बहुत लंबी पृष्ठभूमि उनकी भाजपा की नहीं थी, लेकिन वो जानते हैं कि शिक्षकों का हित, उनकी समस्याओं का समाधान केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हमेशा समस्याओं को समाप्त करने में का रहा है। आज
वहीं खबर वाराणसी से है, जहां पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन में G20 सम्मेलन को सफल बनाने के लिए एक रैली निकाली गई और इस रैली का उद्देश्य G20 सम्मेलन को लेकर प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से की गई है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति के द्वारा परिसर में स्थापित गणमान्य के मूर्तियों पर माल्यार्पण कर की गई। वही खबर हमीरपुर जनपद से है, जहां पर सरीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों की अनदेखी से मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। बता दें कि बरहरा निवासी पीड़ित ने यह बताया है कि उसके भाई का नवंबर 2019 में बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसको परिजन ग्वालियर ले गए थे। वहीं लगभग 2 वर्ष इलाज के बाद दिल्ली एम्स में परिजनों ने संपर्क किया, जहां आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड मैच न होने पर अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया। एक्सीडेंट हो गया था कब? 2019 में। हमने 4 लाख रुपया ग्वालियर में लगाया, उन्हें रेफर कर दिया दिल्ली के लिए। इसके बाद हम वहाँ पे गए, 3 महीने से वहाँ पड़े रहे, तनिमा है इलाज 2 साल चला ग्वालियर में। इसके बाद हम दिल्ली गए, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड का नंबर आया हमारा भर्ती होने का, उन लोगों ने हमें भगा दिया। आयुष्मान कार्ड आपका बढ़ा रहा कि इसमें पता दूसरा डरा है। कहाँ का पता डरा? इंद्रपुरा ग्राम का हमें बढ़ा रहा है। डॉक्टर साहब ने वहाँ से भगा दिया, जाइए फर्जी वहाँ से आपके अस्पताल से मिल के काम करवाइए। वही खबर नरकटियागंज से है, जहां पर सहोदरा मुख्य मार्ग पर साइड लेने के क्रम में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया है और यह घटना पकड़ीढाला के समीप की बताई जा रही है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक टेम्पो में 4 लोग सवार थे। घायलों को आनन फानन में अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया है। वहीं सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पेशेंट आ रहे हैं, मैं यहाँ से उठ के बाहर गया, वहाँ देखा कि एक एम्बुलेंस आके लगी, टेम्पो जिसका आगे से शीशा टूटा हुआ था, आके लगी टेम्पो और मरीज को छोड़ के लोग भागे। वहाँ से हम लोगों ने आनंद फानंद में पेशेंट को इमरजेंसी में शिफ्ट कराया, जहाँ पाया कि एक व्यक्ति जो अज्ञात थे, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनका डेथ हो चुका था। और एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनके बारे में पता चला इलाज के दौरान कि उनका नाम छोटे नाम प्रसाद है, वो गौनाहा में पुलिसकर्मी है। हम लोगों ने उनको देखा, वो भी काफ़ी सीरियस थे, ब्लड की वोमिटिंग कर रहे थे, ब्लड इसमें वोमिटिंग था, कान से नाक से ब्लीडिंग उनकी हो रही थी। हम लोगों ने उनका तुरंत साथ में उपचार करते हुए, जहाँ स्टिच देने की ज़रूरत थी वहाँ स्टिच लगा के, सारा दवाइयाँ जो भी था उसको करने के बाद उनको हम लोगों ने एम्बुलेंस से बेहतर इलाज के लिए भेज दिया। पेशेंट आ रहे हैं। वही खबर बलिया के सिकंदरपुर से है, जहां पर श्री स्वामीनाथ सिंह सुरेंद्र महाविद्यालय धर्मपुर काजीपुर के प्रांगण में स्वतंत्रता संग्राम अमर सेनानी स्वर्गीय स्वामीनाथ सिंह जी की 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई और इस दौरान स्वामीनाथ जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वही खबर नरकटियागंज से है, जहां पर प्रखंड के विवाह भवन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना ADP और व्योश्री योजना के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में वाल्मीकि नगर से सांसद सुनील कुमार, BDO सतीश कुमार आदि ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया और शिविर में दिव्यांगजन और वृद्धजनों के लिए सहायक उपकरणों जैसे मोटराइज ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर इत्यादि उपकरण निःशुल्क वितरित।